ब्रजभूषण बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उस आदमी के ऊपर 35-40 और मुकदमे हैं, क्या सारे वो भी झूठे हैं? इतना ताकतवर आदमी हो और उसके ऊपर इतने मुकदमे लॉज हो रहे हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। ताकत की बात। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जंतर मंतर की वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि जिसमें देखिए लोग कैसे बिलख रहे हैं और पहलवान खिलाड़ियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट पर आज जंतर मंतर के दहलीज पर क्या खबर है, कैसे पहलवान रहते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे उन्हें जलील किया जा रहा है, कैसे उनको उनके बिजली काटे जा रहे हैं, उनको क्या क्या परेशानी आ रही है, इसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आज तमाम पहलवान खिलाड़ी परेशान हो रही हैं। जरा गौर से देखिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक आपने बार बार सुना होगा। ये कहा जाता है कि जहाँ देवियाँ होती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं, यहाँ यानी कि जहाँ देवियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं और ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी आवाज़ को उठा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही, आखिर क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आंदोलन अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या नाम है आपका? धन्यवाद, राजेंद्र पूनिया। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका। बिल्कुल राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये जनता का इस संघर्ष में समर्थन है, सहयोग है। और जब ऐसी हमारी बेटियों के ऊपर अगर इस तरह के जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं और उसके खिलाफ अगर वो संघर्ष करती हैं, जंतर मंतर पर बैठती हैं यहाँ, और उनका हमारा ड्यूटी है कि हम उनका सहयोग करें, समर्थन दें, उसी कड़ी में आज हम यहाँ आए। ये भी एक आरोप लगा रही है कि जो यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है महिला खिलाड़ी, वो एक घर से हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अध्यक्ष को बदलकर अपने यहाँ का अध्यक्ष लाना चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। खिलाड़ी कभी अपना भारतीय सत्र का कोई संघ का अध्यक्ष बनाने की बिल्कुल सोचता भी नहीं। वो अपनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी मेहनत करके देश का नाम ऊंचा किया है। ये पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने न्याय की लड़ाई, अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं बेटियां, ये किसी कुश्ती के अध्यक्ष का पद का लड़ रही है। मान लिया जाए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बीजेपी ने, वो धूमिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बेटियां ना बच पा रही हैं ना पढ़ पा रही हैं। मैं ये मानता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात नहीं है। बीजेपी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने नारे दिए हैं वो सारे झूठे हैं, एक भी नारा सच्चा नहीं है। पब्लिक जनता के साथ, देश के साथ, मतलब एक तरह से बेईमानी है। लेकिन लगातार देखा जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बीजेपी पार्टी ये कहती है कि बेटियाँ सुरक्षित हैं, बेटियों के लिए तो अमित शाह कहते हैं कि रात को 12 बजे जो है कोई भी लड़की अपनी स्कूटी से निकल जाए। न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं है, न्याय व्यवस्था पर सवाल तब उठते हैं न्याय व्यवस्था दबाव में आकर, कार्यपालिका के दबाव में आकर, जब न्यायपालिका चुप हो जाए, न्याय ना कर पाए। और कई बार ऐसा लगता है कि उससे हमारा जनता का विश्वास गायब होता है न्यायपालिका से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यायपालिका के विश्वास को बहाल करने का काम किया है और ऐसे आरोपित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के ऑर्डर पास किए हैं, वरना तो पुलिस तो कर ही नहीं रही थी FIR लॉज बिल्कुल भी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलती की ही नहीं है तो क्यों गिरफ्तार होंगे, क्या डर नहीं है मुझे किसी? ब्रजभूषण बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उस आदमी के ऊपर 35-40 और मुकदमे हैं, क्या सारे वो भी झूठे हैं? इतना ताकतवर आदमी हो और उसके ऊपर इतने मुकदमे लॉज हो रहे हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला। ताकत की बात की, ताकत से सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर, कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ताकतवर व्यक्ति है, बाहुबली कहा जाता है, आखिर बाहुबली क्यों कहा जाता है और ऐसे बाहुबली को बीजेपी क्यों पाल रही है, सवाल तो ये है ना सर? देखिए, जो बाहुबली है
देश की जनता ने समय समय पर बाहुबलों की आंकड़ों मरोड़ तोड़ने का काम किया है। बाहुबली इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और 38 मुकदमे उनके ऊपर पहले हैं, आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई, इसलिए कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में लोग उससे डरते हैं। लेकिन अब की बार पड़ा किसान परिवार से पड़ा है तो आकर निकाल के दम लेंगे। उसकी दस्तावेज आपके पास है, कुछ दस्तावेज आपके पास है, दस्तावेज क्या कहते हैं, क्या कुछ है इन दस्तावेजों? सर्वजातीय हरियाणा, सर्वजातीय पुनिया खाप, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खाप पंचायत है जिसमें 36 बिरादरी के लोग इसके अंदर आते हैं। आज सर्वजातीय पुनिया खाप धरनारत जो पहलवान है, जो देश का गौरव बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, आज उनको तन मन धन से खुला समर्थन देने सर्वजातीय पुनिया खाप आज आई है, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हरियाणा से आते हैं लेकिन वो समर्थन में नहीं उतरे हैं। देखिए कहीं ना कहीं वो हमारे खिलाड़ी भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको सच्चाई से वंचित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई से गुमराह किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, हरियाणा की छत्ती बिरादरी के साथ साथ तमाम हिंदुस्तान की छत्ती बिरादरी खिलाड़ियों के साथ है और जब तक ब्रजभूषण जी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाएगा तब तक हिंदुस्तान की जनता चैन से नहीं बैठने वाली है। सवाल ये भी उठता है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि आपके यहाँ के CM हैं, आखिर वो सामने क्यों नहीं आते हैं? देखिए मनोहर लाल जी के माननीय मुख्यमंत्री कहने कहीं कोई ना कोई मजबूरी होगी या हाई कमान की तरफ से उनको कंट्रोल किया गया होगा। केंद्र के दबाव में है, तो क्या सच में ये केंद्र के दबाव में है? मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर भी जो है केंद्र के दबाव में है? बिल्कुल 100%। मनोहर लाल किसी भी BJP के चीफ मिनिस्टर का सेंटर सरकार के सामने, मोदी और अमित शाह के सामने कोई भी व्यंत नहीं है बोलने का। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे अंतिम सवाल कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार आप करवा कर रहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही बीजेपी पार्टी की तरफ से। हर हालत में ब्रजभूषण शरण जी को जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ेगी, आखिरी दम तक उसको जेल की सलाखों को भेजने के बाद ही दम लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग, तमाम राजनेता जो है यहाँ पर तमाम महिला खिलाड़ियों से मिलने भी आ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिरी दम तक यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे अगर बीजेपी चुप्पी नहीं तोड़ती है। और अगर बीजेपी चुप्पी नहीं तोड़ती है तो ये मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है, क्योंकि लगातार 8 दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करते करते हो गए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या बीजेपी पार्टी कोई बड़ा फैसला सुनाती है। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता। आपने देखा इस तस्वीर को, देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि आज जो लोग आ रहे हैं हरियाणा के कोने कोने से, यूपी के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं उन्हें समर्थन दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देश के बेटियां बैठी हुई हैं वो मायूस ना हो, उनका हौसला जो है वो कमज़ोर ना हो, बुलंद रहे, इसलिए राकेश टिकैत, दीपेंद्र हुड्डा और बहुत सारे दिग्गज, सत्यपाल मलिक वहाँ पहुँचे, उनका हौसला दिया, प्रियंका गांधी सब तमाम लोग पहुँचे। ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा दर्शकों, इसके बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या वाकई में जो है जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे थे क्या वो बच पाएंगे। ये तमाम अहम सवाल है जो हम सब जानना चाहते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में अब पहलवान खिलाड़ियों का धरना खत्म होगा, क्योंकि आज उषा जी गई थी, लेकिन उसके बाद सवाल यही है कि क्या वो जेल जा पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 News। नमस्कार।